तो सा कुनी आम से छाव छु ओ मैं दिखाता हूँ ये घर है। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मेरा गांव यानी कि जोंग विलेज, वहाँ में कौन कौन है, कितना लोग रहता है, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो अभी सुबह का 9 बज रहा है और हम दोनों अभी खाना खा रहे हैं। आज काफ़ी दूर जाना है तो भाई रास्ता में हम दोनों 3 घंटा समथिंग लगेगा पहुँचने में, तो हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। आपको रास्ता में कुछ खा ले ऐसे मत सोचो, जितना थूसना है थूसो अभी हमें जितना खा सकता है। तो अभी खाना वाना खा लिया, पैर भर गया, तो अभी निकलेगा डायरेक्ट गांव की ओर। अंजावत में जितना सबको पता होता होगा ये ब्रिज को बनाने में बहुत टाइम लगा है। बनने में तो जल्दी बन गया लेकिन उस पार जो रास्ता है वो बनने में बहुत टाइम लग गया था। तो वास्तव में ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ अपना गाँव, ये ब्रिज होके और ये रोड होके। तो देखते हैं आगे में रोड कैसे होगा। तो अभी हम दोनों पहुंचा है ये खोइलेंग बस्ती। यहाँ में एक चाचा है मेरा, आए दादाजी लगता है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है तो शायद खेती गया हो सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिर भी देख लेते हैं। और दरवाजा तो खुला है शायद, ये लग रहा है। चलो लो शामो सला दो तो। तो अभी यहाँ से निकल रहा है, अब गांव जाएगा, असली गांव जोंग। यहाँ से काफ़ी दूर होगा, करीब 2 घंटा लगेगा। तो भाई चलना है हाँ। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, यहाँ पे पूरा विनाश का दिन में पूरा जंगल भी ख़त्म हो गया और ये पेल भी हमको छंदा दिखने लग गया। संग हो ना वो संग सफाई से माँ बनता है हाँ। मंगशन नाम क्या है हाँ, हमीर क्रोंग इका है मतलब नाम क्या है मंगशन। ये छोटे से बच्चे दे दे उसने इस तरह का लकड़ी बुक रहा है। हॉस्टल चाहे ना वो हाँ, हॉस्टल ही बा ला लो जिन जो वो ला यहाँ जाऊँ तो हॉस्टल है वाह और सगन चिंदा हो ना वो हाँ। तो ये दोनों को देख के यहाँ का हमको बचपन का याद दिला दिया, बचपन का याद आ गया हमको, क्योंकि हम जब यहाँ ये खुला स्कूल में जब हम पढ़ता था 2001-2 समय में, हम भी ऐसे ही यहाँ लकड़ी ढूंढता था ये सब जगह में ही। तो अभी ये जो दोनों का थोड़ा सा बड़ा उम्र है, ये लड़का जो थोड़ा बड़ा वाला है उतना ही उम्र था होगा मेरा भी जब हाँ यहाँ ढूंढते समय में। क्या क्या दिन था वो भी, क्या समय था। छेद आलो पावर डिपार्टमेंट से है ना, कितना 5-6 पंकज कौन है सर? पंकज जी बताइए इसको कहाँ तक ले जा रहा है? हाँ हुईलंग तक। हुईलंग तो पीछे हो गया, कोसाम और बाकी गाँव और है अलग अलग वहाँ से भेजेगा। कुसाम में ट्रांसफार्मर लगेगा क्या? कुसाम में लगेगा। वो जोंग ये सब में जोंग में भी सारे अभी कुसाम तक लेके जाओ ऐसे बोला है, कुसाम से फिर भेजेगा उधर उधर। हाँ अरे कुसाम एक बिलायलो का गांव है तो वहाँ से शायद दूसरा जगह देगा होगा, देखते हैं कब सक्सेस होता है। अभी रोड भी नहीं है तो नहीं बोल सकते कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा। वो यहाँ में एक तो मेरा ही अंगूंग मिल गया गाँव का, यहाँ मिल गया आंगू ये टाइम बनियो पेट्रोल वा है बात कर ये है हाँ वा तुर हाँ। तो ये है मैं दादाजी था जो आगे में खुलंग में जो खुलंग बस्ती में जो एक तो दादाजी मिला था उसका भाई है। तो यहाँ मैं कहीं आगे में लकड़ी काट रहा है बोलता है चेन सो के लिए,
फिर वो पेट्रोल लेने जा रहा है वो गांव में। अब यहाँ में दो रास्ता मिला है, इधर से जाता है कुसाम सिलंग और बाकी जो गांव है यहाँ तक जाता है, और यहाँ से जाता है मेरा गांव जोंग और आगे जाता है करपमा, उसके बाद इकाईलंग। तो ये ब्रिज, ये है तवित नदी को, ये ब्रिज है हम लोग का गाँव का। अभी देखो हम कितना सार बाहर है, यहाँ ब्रिज पूरा ख़राब है, तो रिस्की है। ये हमारा MLA मेरा हमको बोलना पड़ेगा लगता है, यहाँ में पूरा रास्ता ख़राब हो गया। तो दोस्तों अभी करीब आधा घंटा हम लोग चढ़ के आया है वो गांव से, तो अभी ये थक गया बोलते हैं थोड़ा, यहाँ रेस्ट करेगा। अभी रेस्ट करने का जगह है यहाँ, अभी हम निकल रहे हैं फिर आगे, तो और आधा घंटा लगेगा गाँव पहुँचने में। और रास्ता कुछ इस तरह है, जंगल जंगल आप देख सकते हैं। ये तमलुंग सीट बोलते हैं यहाँ, तमलुंग सीट यहाँ में, ये तमलुंग टू है, ये सीट वाला, ये है यहाँ में, इसका अंदर में ये छिलके खाया हुआ है आदमी लोग, कुछ इस तरह है, एप्पल जैसे है, एप्पल जैसे है, अंदर में वो सीट होता है ना एक, तो ये देखो ये मेरा खून चूस गया ये, तब ये देखो तो बड़ा हो गया मेरा खून चूस गया ये साला, इतना बड़ा है ना यहाँ का, ये देखो पूरा खून चूस गया मेरा ये, एक बार खून चूस के तो बहुत साल ऐसे बिता है। ये देखो ये है मेरा गांव का चाचा है, कौन सा ये मैं फार्म कहाँ में बना है, दो जगह। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट का काम मिला बोलते हैं उन लोग को सीसी स्टेप बनाने का, तो उसके लिए सेटिंग बनाने के लिए वहाँ काट रहा है, हमसे बड़ा भी है और रिश्ता में चाचा भी लगता है। तो अभी हम दोनों फिर आगे कंटिन्यू, तो भाई अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रास्ता कैसे है? रास्ता ठीक है, बहुत बढ़िया है, बाकी गांव का कंपेयर थोड़ा ठीक है ना। वही हम लोग का दब वैली साइड में जो रास्ता है उससे तो बेहतर है यहाँ का। अच्छा, ये है कोल का पत्ता, ये देख सकते हैं। तो बचपन में ऐसे से बहुत कुछ मतलब बनाता था, अभी मैं दिखाता हूँ ऐसे मतलब क्या क्या बनाता है बोल के। तो कुछ इस तरह करके ये देखिए बम्बू का, ये कोल का पत्ता को कुछ इस तरह से उंगली से ऐसे, आजकल का बच्चा लोग नहीं जानेगा ये चीज़ को करने के लिए, ऐसे करके ये देखो फर्स्ट स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप। अभी जब पूरा दिखाएगा ना, पूरा बन जाएगा तो कारपेट टाइप का बनेगा ये ऐसा, और यहाँ से कुछ इस तरह फाइनल रिजल्ट देख आप लोग देखिए, हाँ कुछ इस तरह करके, तो आप देख सकते हैं देखो कुछ इस तरह बना है ये कारपेट ना, देखो दोनों से ऐसे, ये मतलब ये जो है पत्ता जो बड़ा होने से, बड़ा होने से ये और बड़ा बनना था, ये छोटा सा क्या बोलता है ये कोल का पत्ता है। और हर गांव में अपना गांव का बाउंड्री को प्रोटेक्शन के लिए, जितना भी अपना गाँव का जो बाउंड्री होता है उसको प्रोटेक्शन के जो पूजा करते हैं हम लोग मिशमी नेम में, नमसंग पूजा जो हम लोग का यहाँ होता है ये जगह में, आप देख सकते हैं ये जो है नमसंग पूजा का जो तकानजोंग होता है वो है, तो हम लोग का यहाँ होता है। तो अभी काफ़ी सर हम लोग नहीं किया हुआ है, तो अभी पूरा सर किया हुआ है, तो कुछ दिन बाद शायद हम लोग करने का बात करना पड़ेगा। बगान दिखाई दे रहा है और ऊपर देख सकते हैं बहुत सारा खेती किया हुआ है, तो यहाँ से अभी जस्ट 2 मिनट का बाद मेरा गांव का घर दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी मेरा जोंग गांव पहुँच गया, काफ़ी चलने का बाद थक गया ना, थक बहुत। तो यहाँ में ये जगह में पहले जब हम छोटा समय में ये जगह में पाइप हुआ करता था, यहाँ में ये हम पानी आता था इधर से होके, एक जगह पानी था पहले में 20 साल पहले, यहाँ सब लोग यहाँ आके पानी भुगता था, नहाता था। ये
ये पत्थर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ये गांव का। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये घर है, एक तो घर ये है और ये नीचे एक है, वो उधर में एक है और ये ऊपर एक है। और देखो वहाँ पूरा खेती करके रखा हुआ है, और ये ऊपर में भी हो, जो ऊपर में जूम के दिखाता हूँ, ये ऊपर में भी क्रीलों का, वहाँ में एक घर है क्री का। तो शायद हम दोनों वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा आज, क्योंकि वो थक चुका है। तो हम दोनों फिर निकलना है यहाँ से। और ये मिर्चा लगा के रखा हुआ है, बहुत मिर्चा। तो अभी आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, शायद लगता है सब खेती गया हुआ है, क्योंकि आज मौसम जो है धूप दे रहा है। तो देखते हैं ये घर में घुस के, देखते हैं कोई है कि नहीं। पा कोई नहीं, देखो ना। कोई भी नहीं है, ये खाली। इतना फला हुआ यहाँ, पूरा गिर गया। तो हमने तोड़ा है ये, खा के देखते हैं, मज़ा होगा। तो दुआ खा, ये खाओ, टेस्टी है। तो अग्नि है ना, खाओ ना, तुम बढ़िया ना। ये सब खा के तुम ना सोशर जिएगा। तो खाओ, गांव का कुछ भी चीज़ मिलता है ना, तुम खाना है, तुम ऑर्गेनिक और है ना सब, तो कोई वो नहीं है। क्या क्या अभी सब लोग गांव में खेती का समय है, तो गांव में अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। और ये गांव में आदमी, मेरा गांव में आदमी भी नहीं है, सब ज़्यादातर तेजू में बैठा हुआ है। ये देखो गाँव में है ना, सब कुछ ऑर्गेनिक है। ये कोल है, ये कच्चू पत्ता सुअर दाना, ये सुअर ना बढ़िया से खाता है। सनवा कौन कौन पाया हम ड्राम एक आयो हेलंग येला। ये देखो अनरास का खेती किया हुआ है बोलते है। यहाँ में आपको सब कुछ चीज़ मिल जाएगा, जो भी मार्केट मतलब प्लेन एरिया में जो मिलता है, लेकिन यहाँ में चीज़ ये है कि हमें सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता है। तक काम का इतवा हाँ और ये वाली काम तो भाई गांव का लाइफ बहुत अच्छा है ना, अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है, नेटवर्क आएगा, लाइट आएगा, वो सब वगैरह सब आ जाएगा, तो गांव का लाइफ तो सबसे बेस्ट है ना। लेकिन आज के दिन में सब लोग टाउनशिप में क्यों भाग रहा है, मेन चीज़ ये चीज़ कमी का वजह से। तो प्रॉब्लम ये है कि रास्ता नहीं है या कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उसका वजह से सब कुछ, क्योंकि आज का लाइफ जो है ईजी से हर किसी को, और सब कुछ ईजी लाइफ जीना चाहता है, उसका कारण से सब तो टाउनशिप में भागता है। लेकिन असली लाइफ अगर खाना पीना में जो कुछ में बोला जाए तो यहाँ ही बेस्ट है, गांव में बेस्ट है। ये अमरुद भी इतना अच्छा है। हाँ ये मेरे गांव में आके थक गया बोलते है, तो भाई डायरेक्ट ले गया, ये तो आराम से हमें यहाँ पे थक गया। तो ये है एक घर हमारे गांव का, बड़ी पुराना घर है। ये देखो तंगो दी पोए वो हाँ छन क्राम थाई मो अम्बुक सिद्वा वो तंगो क्राम थाई मो। ये देखो दानी में पूरा अमरुद भुगा हुआ है, अमरुद देखो देख सकते हैं एकदम ऑर्गेनिक है, बहुत बढ़िया। कैसे मैं आ मंगो बचपन से ऐसे बुरी दिखा था, अभी और थोड़ा बुरी हो गया, पर फिर भी तगड़ा है। की न्यांगी था मोला गांव का, इस तरह से ही देखे देख सकते हैं आग चाय पकाया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ ले जाएगा थोड़ा अमरुद खाएंगे, बहुत ही फ्रेश अमरुद है।
तो दारिमा बहुत खुश है, गांव का है। आ यहाँ से आओ, तो यहाँ से रास्ता। बहुत खुश है हमको देख के, बचपन से हमको देखा है तो इन लोग, तो आज बहुत दिन का मिला है फिर। तो अभी ये गांव में अभी घूम रहा है, अभी और एक दो घर घूमना है, उसके बाद ही हम लोग फिर निकलेगा। तो ये है जोंग का सबसे सीनियर है आज का दिन में, गांव बुरा भी है और गुखान भी है, तो सबसे बुरा आगे जोंग का यही बचा हुआ है। तो यहाँ में गांव में है अभी उनका मिसेस, और हाँ उनका बेटी भी है। तो ये दारिमा है, थोड़ा बीमार है, तो अभी यहाँ में पूरा सब्जी तोड़ रहा है ये। तो दोस्तों अभी यहाँ शाम का सारी करीब 3:30 हो चुका है, 3:30 हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी हर घर में, जब से जल जीवन मिशन आया है ऐसे हर घर में पानी पानी है। ये देखो ये गांव का जवान लड़की है लेकिन बुरी हो गया। हाँ तना भी होंगे। तो काफ़ी दिन बाद यहाँ आया हुआ है गांव में, तो गांव आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ में 2-3 घंटा बैठा है बुरा बुरी लोग का साथ में, बहुत लोग को मिला है, जितना गांव बुरा बुरी जितना है सबको मिला है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो भाई मेरा गांव आके कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर है, एकदम शांति जगह है। अच्छा है ना? तो यहाँ ना सब उम्फान सामने मरा। हाँ ये दोनों आ गया अभी खेत लकड़ी काट के, होलैंग में फिर पहुँच गया, यहाँ गाड़ी रखा हुआ है। तो अभी हम निकलेगा हाईलैंग की ओर, फिर थक गया ना, मज़ा आया। अच्छा है, मज़ा आया ना। यस। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।